मेरा यह हमेशा से मानना रहा है कि जो देश अपने इतिहास के काले पन्नों के अक्षरों से सीख नहीं लेता ना, उसकी उंगलियां हमेशा उन काले पन्नों की स्याही से सने रहते हैं। दुख की बात यह है कि यह देश 1992 और 1993 की हिंसा देख चुका है। यह देश देख चुका है कि बाबरी गिराए जाने के बाद और उससे पहले भी जिस तरह से रथ यात्रा एलके आडवाणी ने निकाली थी और जहां जहां से रथ यात्रा होकर गुजरी थी वहां वहां पर दंगे हुए थे, दर्जनों की तादाद में लोग मारे गए थे। फिर इसके बाद एक मुंबई बम धमाका हुआ था, सीरियल धमाका, जिसमें छलनी हो गई थी मुंबई, और उसके बाद देश मानो बदल गया। बार बार इस तरह की मिसालें हमारे सामने, हमारा इतिहास हमें बार बार सालता रहता है, इतिहास हमें बार बार चुनौती देता रहता है कि सीखो मुझसे, मेरी काली स्याही से सीखो, वरना वही काली स्याही हमारे चेहरे पर मल दी जाएगी। मगर अब क्या हो रहा है दोस्तों, हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया है अयोध्या राम मंदिर को। किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने। और अब उसी फैसले को लेकर अनाप शनाप बातें की जा रही हैं, और यह अनाप शनाप बातें कोई फ्रिंज एलिमेंट्स या कोई छुटभैया नेता, कोई हुंडा नहीं कर रहा है। यह अनाप शनाप बातें देश के सम्मानित मंत्री, बीजेपी के सम्मानित नेता कर रहे हैं। एक तो ये महान गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं कि हिंदू के सब्र का इम्तिहान मत लो। जी हां, हिंदू के सब्र का इम्तिहान तो लिया ही है आपने गिरिराज सिंह। 4.5 साल हो गए मोदी सरकार को, मगर बावजूद इसके आपने तमाम जो वादे किए थे नौकरी को लेकर, नारी सम्मान को लेकर, देश की अस्मिता को लेकर, वो वादे वहीं के वहीं धरे पड़े हुए हैं। सब्र का इम्तिहान तो लिया ही जा रहा है। और सबसे दुखद बात यह दोस्तों कि हिंदू को या तो बेचारा बनाने की कोशिश की जा रही है या उसे उग्र बनाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि बात अगर सिर्फ गिरिराज सिंह तक सीमित रहती तो बात समझ आती। अगर आपने माननीय अमित शाह को भी सबरीमाला के ऊपर जो उनकी राय थी, जिसमें उन्होंने यह तक कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला ना ले जिसे लागू करना मुश्किल हो, जो आम जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत करे, ये बात अलग है कि जब हाजी अली के मामले में या ट्रिपल तलाक के मामले में, जिसमें कहीं ना कहीं छाप है धर्म की भी, उस वक्त आप तालियां बजाते हैं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, हिंदू हितों की बात करने में कोई बुराई नहीं है, इंसानी हितों की बात करने में कोई बुराई नहीं है, मगर बुराई है जब आप अपनी सियासत के चलते इस तरह की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है गिरिराज सिंह ये जो बात कह रहे हैं कि हिंदू के सब्र का इम्तिहान ना लें, क्या वाकई हिंदू के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? क्या वाकई हिंदू के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? और क्या आपको लगता है कि भगवान श्री राम चाहेंगे कि उनके नाम पर देश को एक बार फिर हिंसा की ज्वाला में ढकेल दिया जाए? और ये कौन है जो हिंदू के सब्र की बात करते हैं, जो समाज के अंदर अराजकता पैदा करना चाहते हैं? क्या ये नहीं जानते हैं कि 1992-93 में भी अदालतों की अनदेखी की गई थी और उसके बाद देश को एक हिंसा की ज्वाला में ढकेल दिया गया था? और सुप्रीम कोर्ट को बार बार चुनौती दे कौन रहा है? खुद सत्तारूढ़ बीजेपी, जिसकी सरकार अधिकतर राज्यों में है, जो केंद्र में है, और पार्टी के ताकतवर लोग इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ एक पत्रकार के नाते नहीं कर रहा हूं, मुझे चिंता है एक पिता होने के नाते। मेरे मासूम बच्चे हैं, दो मासूम बच्चे हैं, आप में से कई होंगे जिनके बच्चे होंगे, आपके बुजुर्ग मां बाप होंगे, मेरे मां बाप भी हैं, अकेले रहते हैं। क्या आप ऐसे समाज में अस्थिरता लाना चाहते हैं जिससे आपके मां बाप, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपके भाई वो असुरक्षित हों? क्या आप चाहते हैं कि ऐसे माहौल का सृजन किया जाए, ऐसे माहौल को बढ़ावा मिले जिसमें
हमें बार बार इस बात का खतरा बना रहे कि कब, कैसे और कहां हमारी जान चली जाएगी। ये कौन लोग हैं जो बार बार हिंदू को असहाय, बेचारा, नाकारा साबित कर रहे हैं? आज एक बात मैं चेतावनी के तौर पर आपको देना चाहता हूं, अगर इसी तरह से हिंदू को उग्र किया गया, भड़काया गया, तो मुझे कहने में इतना सा भी, जिसे कहते हैं ना, हिचक नहीं है कि यह भारत का जिया लम्हा हो सकता है। जिया लम्हे की मैं क्या बात कर रहा हूं, देखिए हुआ क्या था। पाकिस्तान में भी 1979 में, जब दुनिया में, ईरान में 1979 में, 79 में इस्लामिक क्रांति आई थी, और जब जिया वहां के सैन्य शासक बने थे, तब उन्होंने वहां पर जो उग्र इस्लामिक तत्व हैं उन्हें बढ़ावा देना शुरू किया था। पाकिस्तान में माहौल पहले ठीक ठाक हुआ करता था, मगर उसके बाद इस शख्स ने, जियाउल हक ने, वहां पर कट्टर एलिमेंट्स को बढ़ावा देकर सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का। आज उसी तरह से हिंदू को बेचारा, शोषित या फिर उग्र बनाकर, उस भावना को भड़काकर, हम कहीं ना कहीं भारत को उसी वक्त के पाकिस्तान की तरफ धकेल रहे हैं। यानी कि हम जिस चीज से नफरत करते हैं, हम धीरे धीरे वो बनते जा रहे हैं। और कीजिएगा मेरी इस बात पर, वाकई बहुत अफसोस होता है जब ये कहा जाता है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। मुझे उम्मीद है कि जनता इस बात का जवाब देगी कि हां, हमारे सब्र का इम्तिहान लिया गया है, क्योंकि 4.5 साल में इस सरकार के जो कट्टर भक्त हैं वो भी कहां खुश हैं, वो भी तो नाराज रहते हैं, वो तो शायद सबसे ज्यादा नाराज रहते हैं। 4.5 साल से हिंदू के हितों की बात करने वाली सरकार है, मगर सबसे ज्यादा गुस्सा किन्हें आता है? मोदी भक्तों को आता है, आता है कि नहीं आता है? सबसे ज्यादा भड़काने का काम कौन करते हैं? इसी सरकार के मंत्री करते हैं, मानो उनका सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है संविधान के प्रति, देश के कानून व्यवस्था के प्रति। आप लोगों को, कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मगर आज आप नहीं समझिए मत समझिए, मगर कुछ लम्हों के लिए थमकर अपने घर की तरफ जरूर देखिएगा, अपने बच्चों की तरफ जरूर देखिएगा, अपने बुजुर्ग मां बाप की तरफ जरूर देखिएगा, अपनी पत्नी, अपनी बहन की तरफ देखिएगा कि क्या आप ऐसा समाज चाहते हैं जहां एक पॉलिटिकल पार्टी की सियासत के चलते हम सबको एक भीषण ज्वाला में झोंक दिया जाए, जो देश देख चुका है पहले, बार बार इस देश ने देखा है। बड़ी मुश्किल से हम उन दंगों से उभर कर आए, क्योंकि मुझे याद है जब मैं बड़ा हो रहा था तो दंगे एक आम बात हुआ करती थी, अभी भी होते हैं दंगे, मगर अब दुख की बात यह है कि उसे फैलाने का काम सत्ता में बैठे नेता करते हैं, एक झुका हुआ मीडिया करता है। आपने देखा होगा, कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था तो कई एंकर्स किस तरह की बातें कर रहे थे कि राम भगवान को कब तक वनवास में रहना होगा। अरे, इस तरह की भाषा के एंकर इस्तेमाल करता है या पत्रकार इस्तेमाल करता है कि राम का वनवास कब तक बना रहेगा? मेरे राम जो है ना, मेरे राम की महानता को कलंकित और दूषित मत कीजिए। मेरे राम जो है वो, उनके लिए मंदिर बने ना बने, इससे उनकी महानता में रत्ती भर असर नहीं पड़ता है, कि क्योंकि राम की महानता जो है ना वो सिर्फ वनवास तक सीमित नहीं है, उनकी एक शौर्य गाथा है, उनकी कहानी है जिसमें उन्होंने बार बार इस बात का प्रमाण दिया है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और क्यों है और क्यों हमारे लिए मिसाल है। मगर आज जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं ना कहीं राम की महानता को चुनौती देते हैं। तो जो लोग आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, जो लोग भगवान राम के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे लोगों से बचिए। यह मेरी आपसे गुजारिश है, इस देश के नागरिक, एक पिता, एक पति, एक भाई और एक बेटा होने के नाते उम्मीद है आप इस बात को
जरूर समझेंगे। जय हिंद, जय भारत।